हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू रिएक्शन वीडियो। तो गाइस, पटन भाई का एक नया वीडियो आया है, ठीक है। तो गाइस, आप लोगों को पता है जो चाचू बोलते हैं भाई पाकिस्तान में, ठीक है, उसका और जेसन रॉय का गाइस कुछ क्लैश हुआ है, ठीक है, पीएसएल। तो लेट्स सी भाई पटन भाई क्या बोलते हैं, लेट्स गो गाइस। तो दोस्तों, पीएसएल में इतना बड़ा कांड हो जाए और हम आपको ना बताएं, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। कीड़ा काटता है। तो दोस्तों, जैसन रॉय जो पाकिस्तान के पट्टे शलवार लीग में खेल रहा है, उसका पड्डा हो गया था पाकिस्तान के एक एक्सपायर क्रिकेटर चाचा इफ्तिखार अहमद के साथ। लेकिन भाई, मजे की बात यहां है, देखिए, क्रिकेट में फाइट तो पूरी दुनिया में होती है। जहां फाइट ना हो वो क्रिकेट ही नहीं, वो स्पोर्ट्स ही नहीं। लेकिन जब विराट कोहली और नवीन उल हक की थोड़ी मुमारी हुई थी आईपीएल में, तो पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे थे और बड़े जो है इस आग को भड़कावा दे रहे थे। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर पट्टे शलवार लीग में दो लड़ाइयां हुई है, और दोनों लड़ाइयां किसने की है डिटेल से बताता हूं। जाना मत जब तक आप एक कप चाय लेके आइए। ये कहानी काफी ज्यादा लंबी है, बड़ी मजेदार है, और हेडफोन भी लगा लीजिएगा। खतरनाक बातें होने वाली है। तो भाई, जैसन रॉय ने जब इफ्तिखार अहमद के साथ जब उनकी मुमारी हुई, तो जैसन रॉय ने ऐसा क्या कहा कि इफ्तिखार अहमद यानी चाचा के अंदर इतनी मिर्ची लगी कि चाचा ने आगे से गाली बक दी जैसन रॉय को, जो इंग्लैंड का प्लेयर है। जब उन दोनों की आपस में क्रिकेट के दौरान जब उन दोनों की मुमारी हुई थी, तो जैसन रॉय ने जाकर चाचा इफ्तिखार के कान में एक बात बोली, और वो बात यही थी कि मैं तेरा शलवार पाकिस्तान में उतार दूंगा। ये मत समझना कि तुम पाकिस्तानी हो और मैं पाकिस्तान में हूं, मैं यहां भी तेरा शलवार उतार सकता हूं। यह बात सुनकर चाचा इफ्तिखार को काफी ज्यादा गुस्सा आया और काफी ज्यादा मिर्ची लगी, और यह हकीकत भी था कि उसे गुस्सा आना ही था, क्योंकि भाई उसको पता था चाचे को कि हाँ, ये उतार भी सकता है। इंग्लैंड वाले भाई, आपको पता है, बहुत बड़े इज्जत करते हैं भाई पाकिस्तान वाले इंग्लैंडियों के, ये इनके नाजायज बाप जो तेरे। तो चाचा ने आगे से जो है वो, आपको पता है कि चाचा इफ्तिखार को इंग्लिश भी नहीं आती, तो वही एक ही गाली बकरी उसने, बम धमाका, जो इंग्लिश में गाली है जो बड़ी इजी है और सभी बड़े आराम से बक देते हैं, तो चाचा ने बड़ी आराम से वो इंग्लिश बक दी और इंग्लिश में एक दो शब्द भी बोले। और चाचा ने यही कहने की कोशिश की थी कि तेरे देश में आके तुझे बेइज्जत करूंगा, लेकिन चाचा इंग्लिश में बोल नहीं पाया, उसने गलती से बोल दिया कि तेरे देश में आके टट्टी करूंगा। बहरहाल, वो जो भी है वो उनका अपना पर्सनल मैटर है। मसला यह है कि आप जरा देखिए इनकी अकड़, देखिए चाचा इफ्तिखार को, देखिए दो कोड़ी का प्लेयर जो T20 के उस साइड बाकी कोई गेम खेल ही नहीं सकता, और जैसन रॉय 77 जो है सिर्फ क्रिकेट टेस्ट मैच खेल चुका है, क्रिकेट में सिर्फ टेस्ट मैच जो उसने खेले हैं 77, और उसके जितने रिकॉर्ड हैं उतनी तो चाचा की आगे जिंदगी जो बची है ना वो भी निकल जाएगी, चाचा कभी बना नहीं पाएगा। लेकिन चाचा की अखड़ देखे, पाकिस्तानी है ना भाई, पाकिस्तानी और बेवकूफ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। घर आए मेहमानों को जो प्लेयर इनकी जो है वो क्रिकेट बोर्ड हाथ और पैर पकड़ के खींच के लाती है, उनके साथ ये किस तरीके से बदतमीजी करते हैं। देखें, पड्डा तो सबका होता है कभी कभी मैच में, लेकिन जैसन रॉय को जिस तरीके से गुस्सा आया हुआ था, उसने हेलमेट उठा के फेंका, उसने बात में भाई बैट भी उठा के फेंका, और उसने अपने जूते उतार के फेंके, फिर ग्लव्स निकाल के फेंके, लास्ट में जब वो आई एम सॉरी बोलने के लिए, मैंने पहले ही कहा था कि हेडफोन लगा लेना, जो टट्टों पे जो सेफ्टी कवर पहनते हैं वो भी निकाल के जो है कौटी, कौटी। वो उसके साइड में एक बंदा बैठा हुआ था रिपोर्टर, उसके मुंह पे मार दिया, ले भाई सुंग ले। इतना गुस्सा आया हुआ था जैसन रॉय को कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन ये बात नई नहीं है, पोलार्ड जो आईपीएल छोड़ के, जो सॉरी गरीबों का आईपीएल पीएसएल छोड़ के जो आनंद अंबानी के बेटे की शादी में अभी आया था, उसके साथ शाहीन शाह अफरीदी का भी पड्डा हुआ था, और शाहीन शाह अफरीदी ने भी बदतमीजी की थी, और पोलार्ड ने इतने छक्के मारे